शाहिद कपूर बॉक्स ऑफिस के किंग बन पाएंगे? कबीर सिंह पांचवें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी और किन किन फिल्मों को कमाई के मामले में कर चुकी है पीछे? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, 2017 में तमिल रिलीज हुई फिल्म अर्जुन रेड्डी का हिंदी रीमेक कबीर सिंह बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और रिव्यूज में काफी फजीहत मिलने के बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रॉक सॉलिड चल रही है। फिल्म ने पहले दिन कमाई 20 करोड़ 11 लाख रुपए, जिसके बाद दूसरे दिन फिल्म ने कमाई की 22 करोड़ 71 लाख की, जिसके बाद तीसरे दिन यानी कि वीकेंड के आखिरी दिन रविवार को तो फिल्म ने सलमान खान की फिल्म भारत के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया। सलमान खान की फिल्म भारत ने कमाए थे 27 करोड़ 90 लाख रुपए, लेकिन कबीर सिंह ने कमाए हैं 27 करोड़ 91 लाख। वहीं इस फिल्म को ओवरऑल जो स्क्रीन मिली है वो है 3616 स्क्रीन। वहीं दोस्तों, ये शाहिद कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर भी बन चुकी है। इससे पहले संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी पद्मावत ने 19 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन दिया था। और साथ ही साथ दिलचस्प बात तो ये है कि सेंसर बोर्ड के द्वारा ए सर्टिफिकेट देने के बावजूद भी ये फिल्म कमाई के मामले में सबसे टॉप पर बनी हुई है। इससे पहले भी सेंसर बोर्ड ने काफी सारी फिल्मों को ए सर्टिफिकेट से नवाजा है, लेकिन इस फिल्म ने उन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो एक नजर डालते हैं कि पहले फर्स्ट वीकेंड में किन किन फिल्मों ने कितने करोड़ कमाए थे जिनको ए सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। तो सबसे पहले नंबर पर आती है ग्रैंड मस्ती, जिसने अपने पहले वीकेंड में 40 करोड़ 50 लाख कमाए थे। जिसके बाद आती है जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते, जिसने 37 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद वीरे दी वेडिंग, जिसने भी 37 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद राज 3, जिसने 35 करोड़ कमाए थे। और उसके बाद आती है उड़ता पंजाब, जिसने 33 करोड़ का वीकेंड कलेक्शन किया था। वहीं दोस्तों, अब अगर बात करें कि इस फिल्म से किस किस फिल्मों को हुआ नुकसान, तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है सलमान खान की भारत को। जी हाँ, पिछले ही हफ्ते सलमान खान की भारत ने जैसे तैसे करके 200 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन कबीर सिंह लगातार कमाई करती ही जा रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि कबीर सिंह एक नॉर्मल डे पर रिलीज हुई है, ना ही कोई त्योहार और ना ही कोई छुट्टी। इनफैक्ट वर्ल्ड कप भी साथ साथ चल रहा है, तो इन सब के बावजूद फिल्म का इतना अच्छा कलेक्शन करना तो काबिले तारीफ बनता ही है। तो वही सलमान खान की फिल्म भारत की व्यूअरशिप काफी कम हो जाएगी जिस हिसाब से कबीर सिंह कलेक्शन करती जा रही है। वेल, आपको क्या लगता है और आपको ये फिल्म कैसी लगी और किन किन रिकॉर्ड को और तहस नहस करने वाली है ये फिल्म, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।